अस्सलाम वालेकुम फैसल ने जो है हिल पार्क के ऊपर दो माली इन्होंने हायर किए हैं, उनमें से एक हमने इनको स्पॉन्सर किया हुआ है। कहने लगे कि इनसे काम कराना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने कहा यार वीडियो दे दिया करें इनको कि क्या क्या काम कराना है, उसके बाद तीन दफ़ा देख के उनसे क्या मुझे फ़ोन करो। तो इन्होंने कहा उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो अभी दो अदद मैं इनको बेसिक वाले क्यू मोबाइल के स्मार्टफोन दे रहा हूँ। और मैं आपको भी इंकरेज करूँगा कि आपके चारों तरफ अगर लोग हैं, लेबर है, जो कि आपकी बात नहीं समझ पा रही, याद रखें कि अजान 5 दफ़ा होती है ना, अल्लाह मियाँ 5 दफ़ा बुलाते हैं, तो बार 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 बोलना पड़ता है इंसान को अंदर भेजे में जगह डालने के लिए, रट्टा लगाने के लिए। क्या करते हैं 2 2 2 4 2 2 4, यू नो कितनी दफ़ा हमको बुलवाया तो 2 2 4 अब दिमाग से निकलते ही नहीं, अंदर इनग्रेव हो गया। इसी तरह से अगर आप जिससे भी काम कराना चाहते हैं और उसको काम करने में मुश्किल हो रही है, तो एक वीडियो बनाएं, वीडियो पे चाहे उसी से बनवाएं, उसके सामने करके दिखाएं और उसको कहें अब यहाँ बैठ जाओ और 10 दफ़ा देखो उसको, और आप बेशक सामने खड़े रहें, घूरते रहें, देखो 10 दफ़ा। जब 10 दफ़ा वो देख लेगा एक चीज़ को तो वो भूलेगा नहीं, याद कर लेगा। और अब कहें उसको अब सवाल करो, फिर नहीं समझ आया फिर एक और वीडियो बना दें, फिर नहीं समझ आया फिर एक और वीडियो बना दें। तो अब वो लेबर अगर भाग भी जाएगी, आपसे नाराज़ भी हो जाएगी, वो वीडियो यूट्यूब पर पड़ी होगी, वो वीडियो आपके पास पड़ी होगी, तो जब भी आप किसी को हायर करेंगे तो ट्रेनिंग करना बहुत आसान हो जाएगा और आपको ये तकलीफ़ नहीं होगी कि यार इनको मैनेज करना पड़ता है। मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाएगी, सिखाना बहुत आसान हो जाएगा। आप सबके पास ये टूल्स मौजूद हैं, बहुत सस्ते हैं, इनको इस्तेमाल अगर करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी भी आसान कर लेंगे और दूसरे की ज़िंदगी भी आसान कर लेंगे। और वो आपकी वीडियो दिखाने की वजह से उसको अगर ये आदत हो गई कि वो यूट्यूब से सीख सकता है, तो वो और चीज़ें भी खुद सीखना शुरू कर देगा और उसके बाद आपकी ज़िंदगी और आपके स्टाफ की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो ये मैं चाहता था कि आपके साथ भी शेयर करूँ। शुक्रिया फैसल भाई ये प्रॉब्लम बताने के लिए, और इंशाल्लाह मैं आप हमें फीडबैक दीजिएगा कि इससे फ़ायदा होता है या नहीं, इंशाल्लाह।